को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन है। चाइना से जो एक, एक, एक इतना बड़ा है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, लास्ट में यही है हमारी गाइडेंस कि आप क्राउडेड, जब क्राउडेड प्लेस में हैं अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए, और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या को मोबिलिटीज हैं उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या दोबारा गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं? ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। सर जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे, पहले चाइना लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की है, जो मैंने कही वही है कि मास्क, हम क्राउडेड जगह पे हैं बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए, और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए, और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जितनों को लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम अपील कर रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है, इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, तो हमें उसको अपनाना चाहिए, ये अपील कर रहा हूँ। लेनी पड़ेगी इंडिया में, चौथी डोज लेनी पड़ेगी जो डबल वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी? सर, साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सबके ऊपर पूरी नजर है और सोच है, और ये नॉलेज जहाँ हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। अभी जो कहा है मैंने, वो जो कहा है आज की डेट में यही मान्य है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए, इसी में बढ़ के। इंटरनेशनल टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, टेस्ट करवाइए, बढ़ाना इंटरनेशनल। हमने तो रिसोर्स अवेलेबल करना है, टेस्टिंग की कैपेसिटी में कोई कमी है ही नहीं, ठीक है? तो आप आगे आइए, टेस्टिंग करिए। अभी जो गाइडलाइन है वो चली हुई है, हमने वो मैंडेटरी टेस्ट हटाया हुआ है, एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज। उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लिखा है वो कह चुके हैं मुझे उसके बारे में। तो नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल को आप सुन रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और यहां पर उनका आप बयान कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और आप पूरे एहतियात बरतने की उन्होंने सलाह भी दी है लोगों को, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल से, जो गाइडलाइंस हैं उसको पालन करने के लिए कहा है, और कहा है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। तो जिस तरह से चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जर्मनी जैसे देशों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, उसके चलते भारत में खतरा निश्चित तौर पर बढ़ गया, और उसको लेकर चेतावनी दी है वीके पॉल ने, जो कि मेंबर हेल्थ है नीति आयोग में और एक डॉक्टर भी है वीके पॉल। तो उनकी मनसुख मांडविया ने एक जो समीक्षा बैठक की है स्वास्थ्य मंत्री ने आज, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए वीके पॉल साहब, और इन्होंने बोला है कि मास्क लगाना लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन वो समय आ गया है कि लोग फिर से मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करें। आप देखिए।